Today we are going to start organizational structure. Organization structures refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process. देखिए organization structure नाम से ही बिल्कुल clear हो रहा है कि pattern of relationship in which is created during organization process. जब हम इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल लेवल के जो पर्सन्स हैं वो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम होता है? आंसर इसका होगा नहीं. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम नहीं हो सकता. क्यों सेम नहीं हो सकता? किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है. और जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं, तो उसमें भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. जिस तरह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज. जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये एक इस तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट किया जाता है कि किस तरह से वर्क करेंगे, कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, किस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है. दैट मीन्स कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हम इसमें फ्रेम कर देते हैं. तो ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो टू टाइप्स का है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय इट. अंडर दिस ऑल द फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड इन डिफरेंट यूनिट्स विच आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स. देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन है वो सिर्फ हम अपनी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे करते हैं. जो हमारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जब हम उसके बेसिस पे डिवीज़न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कि जब हम डिवीज़न अपने एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, अपने फंक्शंस के बेसिस पे परफॉर्म्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब जैसे एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जिस तरह से ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल वो रिटेलर है, एक उसका रिटेल का काम है, तो उसके पास नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट. फिर हमने क्या किया हुआ है, फर्दर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ये जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने हेड को, वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट. फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, जनरल मैनेजर को. जनरल मैनेजर किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, शेयर होल्डर्स को. देखो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पे कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ पे हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है और लेवल बाय लेवल सब एक दूसरे को अकाउंटेबल हैं. उसके बाद इसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमारे पास एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया है. नंबर ऑफ किसी भी वर्क को जब हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है.
ठीक है, जब पर्सन एक ही वर्क को बार 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 करेगा तो डेफिनेटली वो उस वर्क में परफेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। अब जब यहाँ पे हर पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क मिलेगा, वो उस वर्क में, उस पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है थर्ड, मैनेजीरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की, सबकी जो मैनेजीरियल एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर वर्क को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद पर्सन को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। जब पर्सन एक ही वर्क को बार 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 करेगा तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब कि उनकी जो वेस्टेज है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तो एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लास में डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कि जो भी वर्क है वर्क हमारा विद इन कॉस्ट हो और उसमें किसी भी तरह का कोई वेस्टेज ना हो। फोर्थ, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम वर्क को प्रॉपर पूरी तरह से फ्रेम करते हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे वर्क को पूरी तरह से फ्रेम किया जाता है, तो पर हर वर्क को प्रॉपरली पर्सन को असाइन कर दिया जाता है और उनका एक एक हेड बना दिया जाता है। जैसा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, इस डायग्राम में हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग। अब इसमें क्या है कि एक हर डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ पर्सन वर्क कर रहे हैं और उनका एक एक अलग अलग इंडिविजुअल हेड है। इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी वर्क में डुप्लीकेसी नहीं होगी, किसी भी वर्क के रेपिटिशन के चांसेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई वेस्टेज नहीं होगा। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है, और जो ट्रेनिंग में जो फोकस किया जाता है वो मिनिमल एरिया पे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, तो सिर्फ यहाँ पर उन्हीं को ट्रेनिंग मिलेगी। फिर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उन्हीं को मिलेगी। इस तरह से क्या होता है, जब यहाँ पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग मिलेगी तो हर कोई अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड होगा और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस भी करेगा। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं सबको इक्वल वेटेज मिलता है। रीज़न ये है क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे वर्क कर रहे हैं उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर क्या है, हेड बना दिए गए हैं। जैसे हमारे ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एज इट इज ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे ही फाइनेंस। दैट मीन्स कि सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर इक्वल वेटेज है, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटेबल है फर्दर अपने सुपीरियर को। तो यहाँ पे सब अपना प्रॉपर पूरे फुल एफर्ट्स के साथ वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे फंक्शंस को इक्वल वेटेज मिल रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन का काम है, चाहे वो मार्केटिंग का काम है, किसी भी तरह का वर्क है, सबको यहाँ पर इक्वल वेटेज मिल रहा है। तो इसको हम एक बार देखते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है कि वर्क को जब हम उनके फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अभी हमने यहाँ पे इस डायग्राम में पढ़ा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। अब क्या है कि डिपार्टमेंट्स तो हमारे डिफरेंट बनाए गए हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ एक ही है। सबको, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, सब तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या है कि सारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं ये अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाने के उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाना चाहेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाएगा, ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करेगा। फिर फर्दर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी वही स्टार्ट कर देगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी। इस तरह से क्या करते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं।
सेकेंड है डिफिकल्टी इन इंटरडिपेंडेंस कोऑर्डिनेशन। अभी हमने इससे पहले एडवांटेज में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, और अब हम इसकी लिमिटेशन में पढ़ रहे हैं कि डिफिकल्टी इन इंटरडिपेंडेंस कोऑर्डिनेशन। देखिए अभी हमने जो इसका एडवांटेज में पढ़ा था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंडर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, लेकिन इंटरडिपेंडेंस जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी इससे पहले वाले पॉइंट में हमने यही पढ़ा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाने की वजह से इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कन्फ्लिक्शन के चांसेस इनमें बने रहते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही अभी हम डिस्कस करते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट है सबका इंटरेस्ट जो है अलग, हर कोई जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये अपने अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर दिखाने की वजह से एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा एक्सपेंस करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगा रहेगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस की डिमांड ज़्यादा शुरू कर देगा। इससे क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो मैच नहीं करता है, तो उसके भी इसमें कन्फ्लिक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हर्डल इन कम्प्लीट डेवलपमेंट, वही इसमें वही पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्प्लीट डेवलपमेंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे हर्डल मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जो डिपार्टमेंट्स है, जो डिपार्टमेंट्स के हेड है जो हमारे, वो क्या करते हैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल के अपने आप की सुपीरियरिटी को दिखाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाता। क्योंकि अभी हमने दो तीन पॉइंट जो इसके लिमिटेशंस के पढ़े हैं कि उनका आपस में इंटरेस्ट को लेके कन्फ्लिक्शन हो जाता है, उनका इंटरडिपेंडेंस कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, और जबकि हमने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, लेकिन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक है। वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करके अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, अपने इंडिविजुअल सुपेरिटी को दिखाने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहाँ कहाँ पर सूटेबल है, फर्स्ट पॉइंट वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज लार्ज, जहाँ पे बिजनेस यूनिट हमारा बहुत बड़ा हो वहाँ पर ये पॉसिबल है, सूटेबल है। और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है। थर्ड, व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, जब मैंने अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के लिए होता है, तो ये हमारी सूटेबिलिटी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जब कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो डिवीजन किया जाता है वो एक्टिविटीज़ के बेस पे किया जाता है। और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका मीनिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब कंपनी हमारा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब कंपनी में जो डिवीजन है जब प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब एक्टिविटीज़ के बेस पर डिवीज़न किया जाए तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और जब प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीज़न किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यही डायग्राम जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पर कंपनी सिर्फ क्या कर रही है, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है। डिविजनल में क्या होगा कि कंपनी हमारी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी क्या कर रही है, टीवी भी बना रही है, एयर कंडीशनर भी बना रही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि टीवी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। ऐसे ही सेम
एसी के लिए भी यही डिपार्टमेंट हमारे हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अगर कंपनी एक और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर भी बना रही है, तो उसके अलग से सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि डिविजनल क्या है, जब कंपनी हमारी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग सबको क्लियर है, जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। देखो इसमें हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या हमने पढ़ा कि कंपनी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये टीवी बना रही है, तो टीवी के अंडर जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ऐसे ही कंपनी एसी का प्रोडक्शन कर रही है तो एसी में भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और पर्सनल डिपार्टमेंट है। ऐसे ही कंपनी रेफ्रिजरेटर बना रही है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडवांटेज का, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, अब इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे ये डिवीजन के हेड्स हैं, जैसे टीवी एक हमारा अलग डिवीजन है, एसी एक अलग डिवीजन है, रेफ्रिजरेटर हमारा एक अलग डिवीजन है, तो इनके जितने भी हेड है इन सबका क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब कैसे, जब वो एक ही वर्क को एक ही वर्क में बार बार परफॉर्म करेंगे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है तो वो उसी एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक ही वर्क को रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका डेवलपमेंट होगा ही होगा। सेकेंड है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। देखो जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या, ये क्यों ऐसा हमें क्यों करना पड़ा कि जब हमें प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी हमारी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही है, वो एसी भी बना रही है, वो टीवी का भी प्रोडक्शन कर रही है, वो रेफ्रिजरेटर का भी प्रोडक्शन कर रही है, इससे क्या होगा, अगर एक ही डिपार्टमेंट उसने टीवी के लिए भी, रेफ्रिजरेटर के लिए भी और एसी के लिए एक ही डिपार्टमेंट बना लिया, तो अब क्या होगा कि किसी की सेल ज़्यादा होगी, किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, किसी का मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हो पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, बड़ी हौचपौच कंडीशन रहेगी। हमें नहीं पता कि टीवी की प्रोडक्शन पे कितना पैसा लग रहा है, कितना प्रॉफिट हमें टीवी की सेल से हुआ, कितना एसी की सेल से हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना रेफ्रिजरेटर की सेल से प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए इसका जो बेटर सॉल्यूशन है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब टीवी का सारा काम अलग हो रहा है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, एसी का अलग है और रेफ्रिजरेटर का अलग है, इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट हम बड़ा इजीली असेस कर सकते हैं, क्योंकि टीवी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, सेल है, मार्केटिंग है, वो सारा अलग है, ऐसे ही रेफ्रिजरेटर का सब अलग है। यही पर्पस है कि हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो रिजल्ट को इजीली असेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके यहाँ स्कूल में क्या है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस अलग है, फिजिक्स मैथ सब अलग अलग है, जब रिजल्ट आता है तो अगर हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है कि कॉमर्स का कितना परसेंट है, साइंस का कितना परसेंट है, ठीक है ना, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं। यही जब सब बिल्कुल मिक्स होगा तो रिजल्ट को हम इजीली असेस नहीं कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है, क्यों, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल डिपेंडेंट है, कोई किसी की जैसे टीवी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उनका एक फर्दर सारा डिपार्टमेंट अलग है, रेफ्रिजरेटर का अपना अलग है, यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो हम बड़ा इजीली ले सकते हैं। इजी एक्सपेंशन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सबसे मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि इजी एक्सपेंशन, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड करना है तो वो हम बड़ा इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी तीन चीज़ों की अभी प्रोडक्शन कर रही है, टीवी, एसी और रेफ्रिजरेटर, कंपनी को
अब क्या करना है, सैमसंग कंपनी क्या कर रही है, अपना सेलफोन भी बनाना चाहती है, तो बड़े इजीली वो क्या कर सकती है, सेलफोन की ब्रांच को मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है बिना किसी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। जब टीवी सेलफोन जब कंपनी सैमसंग कंपनी सेलफोन की प्रोडक्शन करना चाहती है तो वो बड़े इजीली कर सकती है, क्योंकि जो बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं लाइक टीवी है और एसी है रेफ्रिजरेटर है, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, बड़ा इजीली वो सेलफोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। तो इजी एक्सपेंशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेनिफिट बड़े सिंपल है। इसका जो मीनिंग है अगर वो आपको क्लियर है तो एडवांटेज सिर्फ उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया गया है। होता क्या है, जब कंपनी हमारी एक से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना चाहती है, तो कंपनी को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि हम जब कंपनी सारा डाटा सारा रिकॉर्ड सारी प्रोडक्शन जब एक ही जगह करने लगेगी तो बड़ी हॉटस्पॉट सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए कंपनी क्या करती है प्रोडक्ट वाइज उनका डिवीजन कर देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था हमने कि कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स, वही सेम पॉइंट है। कैसे कि जितने भी हमारे डिविजनल हेड है लाइक जो टीवी का हेड है और उसके बाद एसी और रेफ्रिजरेटर, इनके बीच में कन्फ्लिक्शन हमेशा रहेगी। वही सेम पॉइंट कि वो क्या है कि अपने इंटरेस्ट को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाने के लिए वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस कभी कभी करने लगते, तो इससे क्या होता है, और वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उनके बीच में जेलस वाली फीलिंग भी आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि उनके जो हेड्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन, अब ये आपको बिल्कुल यहाँ से ये पॉइंट इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी टीवी की प्रोडक्शन कर रही है तो टीवी के लिए क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट है। जब कंपनी एसी का प्रोडक्शन कर रही है वही डिपार्टमेंट फिर से रिपीट कर रही है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर ऐसे ही कंपनी जब रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन कर रही है वहाँ पर भी ये सारे डिपार्टमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है ना, कि तीन प्रोडक्ट अगर कंपनी बना रही है तो तीनों प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टीवी में भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा रेफ्रिजरेटर का भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे एसी का भी है। इससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है, कंपनी में एक ही प्रोडक्ट तीन बन रहे हैं, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अगर हम चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मार्केटिंग जो फंक्शन है वो एक जगह भी अगर हम उसको एस्टेब्लिश कर दें तो भी काम चल सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लिसिटी हो रही है, एक ही फंक्शन वो तीन बार रिपीट हो रहा है। सेल्फिश एटीट्यूड, सेल्फिश एटीट्यूड में क्या है, यहाँ पर जितने भी डिविजनल हेड्स हैं चाहे वो टीवी का है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर का है, वो चाहे एसी का है, वो सेल्फिश दैट मीन्स कि अपनी सुपीरियरिटी में लगे रहते हैं, वो इसमें अपने आप को सुपीरियर दिखाने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टू टाइप्स को डिस्कस किया, वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो डिवीज़न किया गया वो उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, उनके फंक्शंस के बेसिस पे किया गया, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे उनका डिवीज़न किया गया। ठीक है, जब कंपनी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, और जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। होप सो आपको ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा।